वेलकम टू द श्रेयाज किचन। आज हम बनाएंगे बैंगन मसाला। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ ही में बेल आइकन को दबाने से मेरी सारी नई रेसिपीज की वीडियो आपको सबसे पहले देखने मिलेंगी। बैंगन मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 7 बैंगन। बैंगन हम ऐसे एक शेप में कट करेंगे। बनाते हैं सूखा मसाला। इसके लिए मैंने लिया है 1/4 कप सूखा नारियल, 1/4 कप रोस्टेड मूंगफली का क्रश, इसकी जगह आप रोस्टेड मूंगफली भी यूज़ कर सकते हैं, 1 टीस्पून तिल। इन सब को हम मिक्सी में पीस लेंगे। कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 4 से 5 टेबलस्पून तेल। तेल में हम ऐड करेंगे बैंगन और इसे लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए हमें फ्राई करना है। बैंगन फ्राई हो गए हैं, हमें इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हम इसे एक प्लेट में निकाल देंगे। सेम कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ कड़ी पत्ता, 1 टीस्पून जीरा। चार लौंग, 4 से 5 काली मिर्च, दालचीनी। मसालों को आधा मिनट के लिए लो फ्लेम पे भुनेंगे। मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 1 बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भुनेंगे। एक टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट मिला देंगे अच्छे से। अब हम ऐड करेंगे सूखे मसाले, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला। मसालों को मिक्स करके 2 मिनट तक लो फ्लेम पे भूनेंगे। अब हम ऐड करेंगे हमारा सूखा मसाला। हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। मिक्स करके 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। ऐड करेंगे 2 कप पानी। मिला देंगे अच्छे से। दो टीस्पून नमक, अब हम ऐड करेंगे हमारे फ्राई किए हुए बैंगन। कवर करके इसे 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे। हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया। हमारा बैंगन मसाला बनके तैयार है।